चलिए स्टूडेंट्स अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक 3 मोलर NaCl का सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml है और आपसे इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। अब आप इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। तो इस तरह से NaCl सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो होती है 3 मोल पर लीटर और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो NaCl के मोल्स हैं वो टोटल 3 मोल्स हैं। और अगर हम इन 3 मोल्स को NaCl के मोलर मास से जो कि 58.5 होता है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें NaCl का मास भी मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि NaCl का जो मास हमें मिला है वो है 175.5 ग्राम। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में डेंसिटी हमको ऑलरेडी दी गई है जिसकी वैल्यू है 1.25 ग्राम पर ml, इसीलिए हम अगर इस सॉल्यूशन का मास निकालना चाहें तो मास बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और क्योंकि हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर एज्यूम किया है तो हम कह सकते हैं कि 1.25 यानी कि डेंसिटी को जब हम 1000 ml यानी कि वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सॉल्यूशन का जो मास आएगा वो आएगा 1250 ग्राम। तो स्टूडेंट्स क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल मास होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो इसीलिए इस सॉल्यूशन के लिए हम कह सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन तो हमको पता है और मास ऑफ सॉल्यूट भी हमको पता है। इनकी हेल्प से हम मास ऑफ सॉल्वेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1074.5 ग्राम। अब हम जानते हैं कि जो मोलैलिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सो स्टूडेंट्स जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू निकल कर आती है वो आती है 2.79 मोलर, यानी कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है हमारे पास इसकी जो मोलैलिटी है वो 2.79 है। क्लास आपने इस टॉपिक में जो भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं उनकी समरी को यहाँ पर दिया गया है। जैसे हमने इस टॉपिक में ये जाना कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि हम मास परसेंटेज किसी भी सॉल्यूशन के लिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने इस टॉपिक में सॉल्यूशंस के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना भी सीखा। इसके साथ साथ हमने इस टॉपिक में यह भी पढ़ा कि किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम मोलैरिटी के टर्म्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं और मोलैरिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आफ्टर मोलैरिटी हमने इस टॉपिक में मोलैरिटी के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि किस तरह से हम मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस टॉपिक को कवर करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चंस और अवंती वर्कबुक के यहाँ पर मेंशन किए हुए क्वेश्चंस।